बातें कहकर करविंदु जवाब दे दूंगी। पहली बात, आपकी सराहना करती हूं कि आपने टैक्स पेयर्स की चिंता करी और उनके पैसे से संसद चलती है, संसद नहीं चल रही, उस मुद्दे को उठाया। ये संसद 2004 से 2014 तक भी टैक्स पेयर के पैसे पर ही चलती थी, जब बेचारी मीरा कुमार जी इन लोगों से बैठने को कहती थी और ये द्वंद मचाते थे। पहली बात। दूसरी बात, टैक्स पेयर की बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रजातंत्र की, हमारे किसानों की, हमारे बेरोजगारों की, हमारी देश की जनता जिसकी महंगाई से कमर टूट रही है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि संसद ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए नहीं होता है, संसद बहस के लिए होता है। पिछले 10 दिन से आपके भी शो पर और तमाम शोज पर भाजपा के प्रवक्ता लगातार कहते थे, पेगासस पर बहस कर लीजिए, बहस कर लीजिए। जब एडजर्नमेंट मोशन मूव हुआ, क्योंकि संसद में बहस का भी एक प्रारूप होता है, और संसद को मैंने 20-25 साल कवर किया है, संसद की प्रक्रिया जानती हूं, एक प्रारूप होता है, एडजर्नमेंट मोशन मूव होता है, उसके बाद उस पर बहस होती है। सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो एडजर्नमेंट मोशन? आपको लगता है इतना बड़ा गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला हो, या देशद्रोह के चार्जेस लग रहे हो एक सरकार पर, एक फॉरेन फर्म जो है वो हमारी चीजें सुन रही है, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, चुनाव आयुक्त की, और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है? सरकार कब तक अपना पलड़ा झाड़ेगी? अरे वो सब छोड़ दीजिए, नैतिकता के नाम पर ही आपको बहस करनी पड़ेगी, और उस बहस में होम मिनिस्टर अमित शाह को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। तो बिल्कुल आप बात करिए, लोकसभा चलनी चाहिए, राज्यसभा चलनी चाहिए, और इसीलिए सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। अगर अभी सवाल पूछ दूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनके दो डेप्यूटी कौन है, तो बता नहीं पाएंगे। उनका काम होता है सदन चलाना, अगर सदन नहीं चल रहा है कहीं पर, तो उतनी ही जिम्मेदार, इनफैक्ट ज्यादा जिम्मेदार सरकार है। आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए, बहस करिए, गृहमंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी इस पर आकर बात करें। आप रण छोड़ करके भाग जाते, इससे पहले वाले सदन में मोदी जी 2 दिन आए थे पार्लियामेंट में, ये किस तरह की बातें करते हैं, ये आक्षेप लगाने आ जाते हैं? 2 दिन पार्लियामेंट में आए थे, एक भी सिटिंग में बैठे नहीं थे। आज की तारीख में पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भाजपा बहिष्कार कर रही है कोरोना का नाम लेकर। आपको कोरोना फीता काटते वक्त नहीं दिखता है? आपको कोरोना वाराणसी में नहीं दिखता है? आपको कोरोना और कहीं नहीं दिखता है? पार्लियामेंट सदन का जब कार्रवाई होगी तो इनको कोरोना दिखने लगता है। ये कौन सी बातें करते हैं ये लोग? प्रजातंत्र में ना इनका यकीन है, ना ये मुद्दे से बात करना चाहते हैं, ये मुद्दे से भागना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इतने गंभीर आक्षेप लगकर आपका दामन मैला हो चुका है, आप उससे भाग नहीं पाइए। गौरव जी, और जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, अडजर्नमेंट मोशन सिर्फ विपक्ष की ही जवाबदेही है, अगर संसद नहीं चले तो सरकार का कुछ उसमें नहीं, आप संसद नहीं चला सकते। देखिए अंजना जी, क्योंकि इन्होंने बात करी कि पहले क्या हुआ है, मैं एक बात बता दूं, पिछले सत्र की प्रोडक्टिविटी 105% थी, और बिल्कुल जो ट्रेजरी बेंचेस होती है, सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सत्र चलाए। लेकिन क्या विपक्ष की बात यह होती है कि वो मिनिस्टर के हाथ से कागज छीन ले? जब मुद्दा आपने उठाया, उत्तर सुनने का धैर्य और साहस भी तो आप में होना चाहिए। मैंने इनसे बात करी और पूछा, सोनिया गांधी इस सत्र में कितने दिन गई? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मैं आपको बताऊं? क्योंकि बजट सेशन 2020 में सोनिया गांधी, प्लीज, ठीक है, सोनिया गांधी जी पर आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं अंजना जी। बिल्कुल, प्लीज अंजना जी, वो झूठ लिखकर पेपर पकड़ लिए, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी बात तब भी रखना चाहूंगा, मैं रख सकता हूँ अगर आप बोल लीजिए, पूरा कीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैंने ये सवाल किसी वजह से पूछा था, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि बजट सेशन में सोनिया गांधी की अटेंडेंस 0% थी, मॉनसून 2020 सेशन में 0% थी, और इससे पहले जो बजट सेशन 2021 हुआ 17% थी। तभी मैंने कहा, ये जो 60 लाख रुपया जनता का सैलरी में लिया है, क्या इसको वापस लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? दूसरी बात, कोविड के लिए जो प्रबंधन होगा, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी गई थी? कांग्रेस पार्टी गई नहीं। रायबरेली क्या सोनिया गांधी गई 2 साल से? नहीं गई। और मैं कहता हूं, सत्र में जब आप आओगे नहीं तो आप चर्चा कैसे करोगे? और एक बात और बताइए, मैं पेगासस मामले में भी कहता हूं, अगर आईटी मंत्री का बयान आ गया संसद के पटल पर
और वो अगर गलत निकले ना, शायद जानकारी कम है कांग्रेस प्रवक्ता को, वो संविधान में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन होगा, कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए जब कह दिया कि कोई भी इलीगल इंटरसेप्शन नहीं हो रहा, आपको परेशानी क्या जी? गौरव जी जांच क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, मतलब ये तो वो हो गया जैसे वो अगर गलत होंगे तो प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ आएगा, लेकिन जांच क्यों नहीं? जांच भी बताता हूँ, जांच से क्या डर? नहीं लंबा मत बोलिए, छोटा छोटा बोलिए, मुझे आने मेहमानों के पास भी जाना है। अंजना जी बिल्कुल छोटा, जांच क्यों नहीं उठा? अंजना मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हो, एक आरोप लगा दे और बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया जाए, उसके बाद आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप पे है। और राहुल गांधी विश्व के अन्य देशों में भी तो जांच हो रही है। गौरव भाटिया जी क्या बात कर रहे हैं आप? विश्व के अन्य देशों में भी तो जांच हो रही है, आप क्या कह रही हैं? एक मिनट, पाकिस्तान आरोप कल को लगा दे, एक जांच बैठा दे। वाह वाह अंजना जी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? अंजना जी अपना मोबाइल सबमिट कर दे पुलिस को, क्यों नहीं गई? वाह वाह अंजना जी वाह, उनके मोबाइल से आपको इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? संसद में चर्चा मत करिए और जाकर बिठा दीजिए। वाह वाह सुप्रिया जी, अच्छा तर्क। अंजना जी, सुप्रिया जी, वही सवाल घूम फिर कर आता है। ऐसा होता है ना अंजना जी, एक तो चोरी, हाँ बिल्कुल, एक तो चोरी और उस पर से सीना जोरी। ये 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करके 45 देशों में चीजें लगाई है, हंगरी, मेक्सिको, मोरक्को, यहाँ तक कि इजराइल और फ्रांस तक। लेकिन सुप्रिया जी जांच ज्वाइन करने के लिए मोबाइल तो देना पड़ेगा क्या? इसके लिए राहुल गांधी जी अन्य नेता तैयार हैं? अरे एक सेकेंड, उन नेताओं के या फिर उन लोगों के, जर्नलिस्ट के जो भी है, फोन तो देना पड़ेगा ना जांच के लिए, FIR तो लॉन्च करनी होगी ना? बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, मैं बात करूं, अगर ये बोलना चाहते तो पहले बोले, मैं बीच में किसी के नहीं बोलूंगी, जल्दी से मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं लिख के लिख कर दूंगी, मैं बीच में नहीं बोलूंगी तो ये बीच में मेरे अगर बोलेंगे। हाँ मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने